खिचड़ी दी फूड चैनल के रोशन की रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोशन की रसोई में तिल के लड्डू। तिल के लड्डू खाने के फायदे क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ। तिल सर्दी भगाने का रामबाण शस्त्र है और इसके साथ ही साथ यह वात रोग से भी हमें निजात दिलाता है, साथ ही यह बीपी को नियंत्रित रखता है और पेट को ठीक रखता है, और इसके साथ ही यह बहुत ही बलवर्धक है, शक्तिवर्धक है और मनुष्य को स्वस्थ रखता है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है और कैल्शियम होने के नाते यह हड्डियों के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विशेष रूप से सर्दियों के दिनों में अक्सर हर परिवार में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और बाजार में भी ये तिल के लड्डू खूब मिलते हैं। वैसे तो लोग जो है गुड़ इसमें डालते हैं, परंतु आज हम इसमें डाल रहे हैं बूरा। बूरा और खांड में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। बूरा जो है चीनी से बनती है और खांड जो है सीधे मील या कोहलू से बनाई जाती है और खांड थोड़ी सी हल्की सी पीली होती है। तो हमने आज तैयारी के रूप में ली है 1.5 किलो जो है बूरा ली है और 0.5 किलो सूजी ली है और 1 किलो तिल लिए है, ये इसका परफेक्ट नाप है। और साथ ही 250 ग्राम जो है देसी घी लिया है, 100 ग्राम काजू टुकड़ा लिया है, 50 ग्राम जो है मगज ली है और 100 ग्राम हमने इसके लिए बादाम रखा है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों को सेक के जो है आपस में मिक्स करके लड्डू बनाने हैं। इसमें कोई विशेष नहीं है, बहुत ही सरल है, आसान है और कम से कम समय इसमें लगता है। तो आइए हम आज की अपनी रेसिपी शुरू करें। सबसे पहले हमने जो सूजी ली है 500 ग्राम, इस सूजी को जो है अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखिए हमने जो है मध्यम फ्लेम पर जो है गैस जला के रखी है और इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा जो है भूनना नहीं है, जिससे इसके कलर में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाए। हल्का सा हम इसको सेक लेते हैं। हमने अपनी सूजी को हल्का ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लिया है और अब काजू टुकड़ा हम थोड़ा सा सेक लेते हैं और इसी तरह से साथ साथ इसके जो है बादाम जो है सेक लेते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इसमें किसी भी प्रकार की जो है नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी इसमें रहती है तो लड्डू बहुत दिन तक नहीं टिक पाते हैं। तो हल्का सा इसको सेक लेते हैं। बादाम और काजू टुकड़े को जो है थोड़ा सा सेक लिया है ताकि इसमें कोई नमी नहीं रहे और अब हम ये मगज को जो है तड़क जाने तक जो है थोड़ा सा इसको सेक लेते हैं। हम मगज को जो है बगैर मिक्सर में ग्राइंड किए हुए डालेंगे और बादाम और काजू टुकड़े को जो है हम दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए ये मगज जो है इसमें तड़कने की आवाज़ आ रही है। अब हम अपना गैस बंद कर देते हैं और मगज को जो है ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में जो है शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए ये तड़क रहा है अच्छी तरह से, आवाज़ भी आ रही है ये। अब हम बादाम और अपने काजू टुकड़े को दरदरा सा पीस लेते हैं और उधर हमने जो है तड़क जाने तक जो है मगज को जो है अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख रहे होंगे कि मगज के दाने जो है थोड़ा सा फूल भी गए हैं और अच्छी तरह से सिक भी गए हैं। तो इस तरह से हम जो है अपना जो है इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा पीसने की इसकी ज़रूरत नहीं है और काजू टुकड़े को दरदरा सा पीस लिया है, ये देखिए। और अब इसको सीधा जो है हम अपनी बूरा में जो है शिफ्ट कर देते हैं। धीरे धीरे करके एक एक चीज जो है हम बूरा में शिफ्ट करते जाएंगे ये। और इसके साथ ही जो है मगज हमने जो सेक के रखी थी वो भी अपनी बूरा में हमने शिफ्ट कर दी है। और इसके बाद हमारे पास जो तिल रखे हैं वो दो बार जो है हम इसको अच्छी तरह से जो है थोड़ा सा भून लेते हैं और इसके बाद जो है मिक्सर में दरदरा सा इसको पीस लेंगे। तिल हमने जो है 1 किलो रखे हैं, इसको जो है अच्छी तरह से जो है सेक लेते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार की नमी नहीं रहे और तिल
जो है हमारे थोड़े से फूल जाएं और इनकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाए। इस तरह से दो बार करके हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं और इसके बाद दरदरा सा पीस लेते हैं। हमने मीडियम फ्लेम पर अपने इन तिलों को अच्छी तरह से सेक लिया है। तिल थोड़े से फूल गए हैं और इनका हल्का सा जो है कलर चेंज हो गया है। अब हम इन्हें दरदरा सा पीस लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने गैस बंद कर दिया था और गैस बंद करने के बाद में हमारे पास जो घी रखा था वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया और वो देखिए मेल्ट होकर जो है अपने सही फॉर्म में आ गया है। अब हम अपने तिलों को दरदरा सा पीस लेते हैं। ये दो बार जो है हमें पीसने पड़ेंगे परंतु मोटे रखने पड़ेंगे। ये हो गया, ये देखिए, बस इतना ही हमें जो है इसको पीसना है दरदरा सा। और इसे हमें जो है शिफ्ट कर देते हैं अपने इसमें। इसी तरह से बाकी के जो है तिल भी जो है दरदरे से पीस कर जो है अपने इस सामग्री में जो है शिफ्ट कर देंगे। और अब हम जो सूजी हमने रखी थी वो सूजी अपने इसमें जो है मिक्स कर लेते हैं और इस सारे को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद जो है हम इसमें ये देसी घी ऐड करेंगे और उसके बाद इसके लड्डू तैयार करेंगे। इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने इस मिक्सचर में अच्छी तरह से जो है ये इस मिश्रण में ये घी डाल लेते हैं, देखिए, और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करके इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा घी और उसमें ऐड कर देना तो लड्डू अच्छी तरह से जो है बन जाएंगे। मैंने मेल्ट किए हुए घी को इसमें अपने मिश्रण में अच्छी तरह से मिला दिया था और मुझे लगा कि थोड़ा सा घी कम था इसलिए मैंने थोड़ा घी उसमें ऊपर से ऐड किया और इसके बाद जो है ये लड्डू बनाए। देखिए लड्डू कैसे बनेंगे। इसमें जो है आपको थोड़ा सा जो है दबाव थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा और ये अच्छी तरह से जो है आपका लड्डू जिस साइज का चाहें आप बन जाता है। ये देखिए, अगर आपको लड्डू बनाने में कोई दिक्कत आए तो आप जो है इसे वैसे भी जो है खा सकते हैं। स्वाद और उसकी पौष्टिकता जो है वो ऐसी की ऐसी जो है उसमें बनी रहती है। ये देखिए, मैंने जो है मीडियम साइज के जो है लड्डू बनाए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया जो है कलर आया है और खाने में भी है बहुत अधिक पौष्टिक है। तो आपको यदि आज तिल के लड्डू बनाने की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।